नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो फैशन रिलेटेड वीडियो होने वाली है। ट्राई ऑन हॉल, कलेक्टिव हॉल काइंड ऑफ कह सकते हैं आप। बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स पे मैं गई थी एक आध हफ्ते पहले और मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हॉल वीडियो। और डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे गई थी जिनके पैकेट्स हैं मेरे पास। सबसे पहले हम H&M से शुरू करते हैं। ये तो मुझे स्टील डील मिल गई। मैं ऐसी H&M में घुसी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था H&M से कुछ भी खरीदने का, ना H&M और Forever 21 से। मैं बहुत सालों पहले जब मैं पिटाइट साइज़ की हुआ करती थी तब मैं बहुत शॉपिंग करती थी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था मुझे। और अब मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है और मुझे नहीं लगता कि H&M और Forever 21 के कपड़े मोर लेस इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं मुझे मेरे साइज़ के हिसाब से। दैट्स दैट। इसलिए मैं H&M में ऐसे कैजुअली घुसी थी, पर मुझे वहाँ पर जो दिखा उसे मैं ख़रीदने से रोक नहीं पाई, क्योंकि वो मुझे अच्छी ड्रेस दिखी, प्लस वो मुझे रीजनेबली प्राइस भी लगी। 500 रुपये की पड़ी है मुझे ये ड्रेस, और ये शर्ट डिटेलिंग की स्ट्रैपी ड्रेस है। एंड आई एक्चुअली लव्ड इट, काफ़ी कैजुअल वाइब दे रही थी। मैंने इसे ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है शर्ट डिटेलिंग की ड्रेस मोर और लेस मुझे फिट हो जाती है। और ये साइज़ मीडियम है फॉर योर रेफरेंस, और ये 500 रुपये का पड़ा। मैं तो बहुत खुश होगी, फटाफट मैंने इसे अपने कब्जे में किया। एंड आई वाज लाइक ओके आई विल टेक दिस। कपड़ा काफ़ी अच्छा है, मोटा है, झलक नहीं रहा है। और मुझे इस कपड़े की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। शर्ट डिटेलिंग है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, 5'1" मेरी हाइट है, उस हिसाब से ये सही लगा मुझे। तो मैंने इसलिए इसे अच्छे से देखा, शॉप में ट्राई नहीं किया था, घर में आके मैंने इसे ट्राई किया, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे आ ही जाएगा और अच्छे से ये फिट होता है, वेल मेड है। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसे पिक किया। लेट्स मूव ऑन एंड इन दो पीसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिर मैं लेफ्टीज़ शॉप पे गई, वो भी दुबई मॉल में अवेलेबल है, और मैंने ये बेसिक वाइट टी पिक किया। एंड ये साइज़ मीडियम में है, एंड ये भी मुझे 25 दिरहम का पड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ट्रांजी है, देर इज़ नो डाउट ये ट्रांजी है। अगर इसके नीचे आप अप्रोप्रिएट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनेंगे तो फिर ये झलकेगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसकी डिटेलिंग अच्छी लगी, ये कपड़ा काफ़ी ब्रीदेबल लगा मुझे, इसलिए मैंने इसे पिक किया। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने पिक किया उसे। और फिर मैंने ये ड्रेस खरीदी, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रैपी ड्रेस, एक्सट्रीमली स्ट्रैपी आई वुड से। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मैं क्लिप डाल दूँगी आपके रेफरेंस के लिए कि इसे पहनते कैसे हैं और दिखता कैसा है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी यहाँ पे भी यहाँ पे फ्रिल डिटेलिंग है, और ये नी लेंथ की ड्रेस है, काफ़ी अच्छी लगी। इट्स अ लिटिल बिट टाइट ऑन मी फॉर श्योर, और प्रॉब्ली विथ ड्यू कोर्स इट विल फिट मी बेटर, पर बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी क्यूट लगा, इसलिए मैंने इसे पिक किया। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट Forever 21। तो Forever 21 से मैंने एक टॉप लिया, बहुत जैसे मैं कहती Forever 21 से शॉपिंग में बहुत पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अभी कम कर दी है मैंने। एनीवेज, तो मुझे ये टॉप बहुत अच्छा लगा, आई कैची लगा, और मैंने सोचा कि इसे पिक करना चाहिए। सो आप इसे ऑफ शोल्डर टॉप की तरह भी पहन सकते हैं, और ये मुझे 50 दिरहम का पड़ा, एक्चुअली ये 89 दिरहम का था। सो ऑफकोर्स फॉर अ टॉप इट्स कॉस्टली, 1000 रुपये का पड़ा है मुझे, पर मुझे कपड़ा बहुत अच्छा लगा और समर अप्रोप्रिएट लगा मुझे ये टॉप, इसलिए मैंने इसे पिक किया। ये बहुत प्यारा फ्लोरल डिटेलिंग है, यहाँ पे आपको इलास्टिक भी मिल रहा है, सो ये अच्छा एक डिटेल लगा मुझे। इसका गला जो है वो भी मुझे अच्छा लग रहा था, और इसलिए मैंने इसे पिक किया। बाय द वे, ये बस्ट एरिया पे इलास्टिकेटेड है, सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। यहाँ टाई अप डिटेल भी है। साइज़ जो मैंने लिया है वो एक्स्ट्रा स्मॉल है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल भी बहुत बड़ा है। मैंने इसे पहना, मुझे ये फिट हो रहा है, जबकि मेरा साइज़ जो है वो एक्चुअली मीडियम है यूजुअली। एनी वेज, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट LC वकी की। वकी से भी मैं बहुत कुछ खरीदती रहती हूँ, पर इस बार बस एक चीज़ खरीदी है मैंने। इसका फुल प्राइस पे किया था, ये सेल पे नहीं था। इसका 24 दिरहम पे किया मैंने, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ लिया है मैंने। और क्यों लिया एक्स्ट्रा स्मॉल, आप देखिए। पहले तो ये टी शर्ट कितनी अच्छी दिख रही है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल समर अप्रोप्रिएट टी शर्ट। प्रिंट बहुत अच्छा है, आई क्वाइट लाइक द प्रिंट, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसे पिक किया। फिर मैंने प्राइस देखा, प्राइस भी रीजनेबल था मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसे पिक कर लिया। और इट्स अ रेगुलर टी, आप नॉट
डाल के भी पहन सकते हो, और इतना बड़ा है कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ भी मुझे बड़ा ही लगा अपने ऊपर, तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल उठाया, स्मॉल भी नहीं बिकॉज इट वुड हैव बीन सो बैगी। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट आर एन बी इज़ इन देरा, सो वहाँ से मैंने इसे पिक किया। वहाँ से जब मैंने इस चीज़ को पिक किया, आई बिकेम सो हैप्पी कि मैंने इसे पिक किया। यह है एक पिंक कलर की हुडी जिसपे पैरी लिखा हुआ है एंड इट इज़ सो क्यूट। मेरे पास एक आध पिंक कलर के स्वेटशर्ट्स हैं, आई क्वाइट लव वेयरिंग दैम ड्यूरिंग विंटर, सो मैंने इसे ख़रीद लिया। प्रॉब्ली वेन आई गो टू इंडिया आई कैन वेयर दिस बेटर। सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, लुकिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, दैट्स वॉट इज रिटन, आई एम सो अप फॉर इट। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये कलर, और काफ़ी मोटा है ये, सो अच्छी ठंड से बचा सकता है, इसलिए मैंने इसे पिक किया। बहुत प्यारा, आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर साइज इज 10 एंड इट्स फॉर 80-60। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इसके लिए कोई सेल या कम दाम पे करके खरीदा हो, सो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ये कितना सुंदर है एंड यहाँ पे इलास्टिकेटेड भी है, सो दैट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड। एंड लेंथ इज़ रियली गुड फॉर 5'1", इट इज़ अ लिटिल बिट लॉन्ग आई वुड से, पर ये बहुत सुंदर लगा मुझे इसलिए मैंने इसे पिक किया। एंड फिर मैंने ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक तो एक्सट्रीम लेवल का बेसिक टॉप कह लीजिए ये ख़रीदा है। ये तो घर में ही पहन जाऊँगी मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर पहनना चाहूँगी बिकॉज इट्स नॉट रिच और यू नो अट्रैक्टिव इनफ टू वेयर आउटसाइड इन माई आइज़। आई थिंक इट्स टू बेसिक और बहुत झलक भी रहा है, सो आई एम प्लानिंग टू वेयर इट एट होम ओनली। ये इस तरह का टॉप है विथ यू नो बहुत बड़ा आर्म होल है इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने ये भी खरीद लिया, अब मैं बाहर जाती तो मेकअप ना खरीदूँ ऐसा नहीं होता बिकॉज आई एम अ ह्यूज मेकअप लवर, तो मैंने फ्लोरमार की ये नेल पेंट खरीदी है एंड दिस वन इज़ इन द वेरिएंट रोज आई होल्ड। फ्लोरमार के नेल पेंट बहुत अच्छे होते हैं एंड दैट्स व्हाई आई पिक दिस वन अप फ्रॉम आर एंड बी। और हाँ, मैं सेंटर पॉइंट भी गई थी तो वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स पिक किए हैं, मैं जल्दी से वो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये है, ये लिखा हुआ है नौ धर्म का और बहुत ही क्यूट लगा। वहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स थे नेक पीसेस के, मुझे ये वेरिएंट बहुत ही क्यूट लगा इसलिए मैंने इसे पिक किया। हार्ट शेप का पेंडेंट है ये एंड रीजनेबली प्राइस आउट से इसलिए मैंने इसे लिया। फिर मैंने ये लगेज टैग लिया, ये 5 धर्म का आया और बहुत ही क्यूट लगा मुझे, फ्लेमिंगोज बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस ये पिंक में था तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे पिक किया। बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, वो भी मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। मैंने इसको बहुत ज़्यादा देख लिया है इंटरनेट पर, और एसेंस कॉस्मेटिक्स का लैश प्रिंसेस मस्कारा मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं यूज़ करती रहती हूँ, उसे सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं, खरीदती रहती हूँ बार बार, और मैंने सोचा कि चलो एसेंस के इस मस्कारे को भी ट्राई कर लेते हैं। ये है लैश लाइक अ बॉस इंस्टेंट वॉल्यूम एंड लेंथ मस्कारा, पिंक कलर की पैकेजिंग, दैट वॉज वेरी अट्रैक्टिव। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी रिसेंटली आपको अपनी एक हॉल वीडियो में दिखाया था कि मैंने स्टे एंड प्ले एमरल्ड ड्रैगन करके ये जेल लाइनर है एसेंस की, ये लिया था। ये मुझे इतना अच्छा लग गया कि मैंने जाकर दो और वेरियंट्स लिए, वैसे एक न्यूट्रल न्यूड वेरिएंट भी था, मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एसेंस की न्यूड आई पेंसिल है, लॉन्ग लास्टिंग ट्विस्ट अप पेंसिल, ये शार्पनेबल है बाय द वे। सो ये है, ये ब्लू कलर का है, इसका नाम है मिडनाइट स्काई, और ये है एसेंस कॉस्मेटिक्स का ब्लैक रेवन, तो ये है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने एक्चुअली मैं सेंटर पॉइंट इसके लिए गई थी, ये कैट्रीज कॉस्मेटिक्स का कैलीग्राफ आर्टिस्ट ओशन फ्लॉट पेन लाइनर है और मैं इसी को लेने के लिए गई थी, और वो एसेंस के कुछ प्रोडक्ट्स भी मैंने पिक कर लिए एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि मैंने अपने लिप्स पे क्या लगा रखा है, तो मैंने कलर पॉप का हार्ट ऑन लिपस्टिक लगा रखा है एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल पिंक लिपस्टिक। और हाँ, मैंने कलर पॉप हॉल वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके मेरे शॉर्ट्स फीड पर भी देख सकते हैं, आप मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, आई एम श्योर यू लव वॉचिंग इट। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।